यार, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है 2020 में काफ़ी ज़्यादा सीट्स बढ़ चुकी है। अराउंड अराउंड 10,000 से ज़्यादा सीट्स बढ़ चुकी है MBBS और BDS कोर्सेज के लिए। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एम्स एग्ज़ाम जो होती थी, जिपमर एग्ज़ाम होती थी, AFMC जितनी भी एग्ज़ाम्स होती थी, सारी एग्ज़ाम्स को कंबाइन कर दिया गया नीट के साथ। तो यार, आपको आप में से कई सारे बच्चों को डाउट था कि वो लोग पूछ रहे थे कि नीट एग्ज़ाम अगर एम्स के साथ कंबाइन हो चुकी है तो फिर जो है नीट का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, NTA के डायरेक्टर ने खुद ने बोला है कि पेपर का लेवल सेम रहेगा। तो यार, जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन पे डिपेंड करता है, सबसे आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो यार, मैं आपको अब डायरेक्टली बताता हूँ कि कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर, ताकि आपको डायरेक्टली आइडिया हो जाए कि जिस तरह से आपको कितना स्कोर करना चाहिए। एटलीस्ट आपके मॉक टेस्ट में अगर इतने मार्क्स स्कोर आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता है। तो यार, डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ मैं कितना आपको स्कोर करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते क्लोजिंग रैंक्स क्या क्या थी लास्ट ईयर। तो यार, हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, SC, ST। अगर आप देखेंगे इसमें जनरल के मार्क्स जो है 591, ये ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, जो कि क्लोजिंग रैंक क्या क्या थी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का है, जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है, आपको पता होगा, तो उसका कितना कट ऑफ था वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोई भी स्टेट का कट ऑफ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर आपको बता देता हूँ मैं। जनरल का यहाँ पे 591 था और रेस्पेक्टिव कॉलेजेस उसके सामने लिखे हुए हैं। तो यार, आप देख सकते हैं जनरल का कट ऑफ 591 और जो रैंक थी वो 10,000 के आसपास थी। और OBC का अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा था, जनरल से भी ज़्यादा कट ऑफ OBC का था 597, और जो रैंक थी वो है 9,000 के आसपास। और SC की अगर मैं बात करूँ तो 485 कट ऑफ था, और इसी के साथ साथ ST की अगर बात करूँ तो 459। तो यार, इसके रेस्पेक्टिव आपको कॉलेजेस सामने दिख पा रहे हैं। तो यार, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं करना पड़ता अगर आपकी कैटेगरी SC या फिर ST हो। और आप देख सकते हैं कि अगर OBC के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 597 मार्क्स तक स्कोर करने पड़ सकते हैं। अगर आपको एक क्लोजिंग रैंक अगर मैं बताऊँ, ये कट ऑफ है, मतलब ये लास्ट पर्सन था जिसको 597 मार्क्स पे भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार का लग रहा है मुझे, क्योंकि इस साल जो गवर्नमेंट सीट्स है वो भी बढ़ी है, 10,000 से 15,000 सीट्स बढ़ी है इस साल। तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है और सीट्स भी बढ़ी है, तो प्लस फाइव मैंने करा है, और इसी के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि इतना कट ऑफ जाएगा। पर आप देख लीजिए कि ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो सीट्स भी बढ़ी है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बढ़े हैं, कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि इतना कुछ कट ऑफ जाएगा इस साल। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, और किसी भी कॉलेज का कट ऑफ चाहिए तो नीचे मैंशन कर दीजिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।